धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैंने आप लोगों को कई बार कहा, संपूर्ण इस्लाम जगत को भी मैंने चुनौती दिया है कि कुरान को कलामुल्ला सिद्ध करके दिखाओ। सामने आने के लिए कोई तैयार नहीं और लफाजी करने के लिए बैठ जाते हैं कैमरा में और वीडियो खेल खेलना चाहते हैं। इलियास शरफुद्दीन ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाया है कि महेंद्रपाल आर्य कह रहा है कि कुरान को कलामुल्ला सिद्ध करो। यह इलियास शरफुद्दीन के बारे में शायद आप लोगों को भी पता होगा, ये आँख से देखता नहीं है, दांत से देखता है। हमेशा इसको देखेंगे, दांत ही इसका निकला हुआ होता है। और ये पिछले दिन बोला था एक वीडियो में, आए तो अडवाणी के घर क्यों नहीं गए, श्री राम वनवास से आए तो मोदी के घर क्यों नहीं गए, अमित शाह के घर क्यों नहीं गए, श्री राम वनवास से आए बीजेपी आरएसएस हेडक्वार्टर नहीं गए, श्री राम वनवास से आए मोहन भागवत के घर क्यों नहीं गए, श्री राम वनवास से आकर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए भारत के, बल्कि श्री राम वनवास से आए तो मस्जिद को आए, अल्लाह के घर को आए। देखिए दुनिया वालों, ये कितना बड़ा जाहिल है इससे अंदाजा लगा लीजिए। श्री राम वनवास को आए तो ये सब जगह का नाम जो लिया, यहाँ वहाँ नहीं गए, कहाँ गए, मस्जिद को गए। अरे जाहिल मूर्ख, आज से 9.5 लाख वर्ष पहले ना बाबर था ना बाबर का अब्बा था, तेरी मस्जिद कहाँ थी? थी अयोध्या में उन दिनों में मस्जिद, जो मस्जिद को गए बोल रहा है जाहिल कहीं का। 9.5 लाख वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का काल था, राम का युग आज से 9.5 लाख वर्ष पहले का था, उन दिनों में कहां था तेरा बाबा, कहां था तेरा बाबरी मस्जिद, मस्जिद को गए बता रहा है। इसीलिए किस तरीके से ये लोग जहालत को फैला रहे हैं देखिएगा, ये खुद जाहिल है और इसी जहालत को फैला रहे हैं। खुली चुनौती दे रहा हूं, ये खुली चुनौती दे रहा हूं इलियास शरफुद्दीन, तो बीजेपी आरएसएस या अब और संगठन को दावत मत दे, एक अकेला महेंद्र पाल को तू इस्लाम स्वीकार करके करवा के दिखा दे कि राम जब वनवास से लौटे अयोध्या को, तो मस्जिद में आए और नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को, विश्व हिंदू परिषद वालों को, जितने भी हिंदू संगठन हैं सबको इस्लाम स्वीकार करने के लिए दावत दिया है। उस वीडियो की चुनौती मैंने स्वीकार किया और मैंने उसके जवाब में ये बोला था कि भाई एक महेंद्रपाल आर्य को अगर तुम मुसलमान बना देते हो तो महेंद्रपाल आर्य लाखों की तादाद में हिंदू या आर्य को मुसलमान बना देंगे। उसका जवाब तो नहीं दिया और ना सामने आया। अब एक दिन कई महीना पहले संतोष, हमारे एक मित्र हैं, हैदराबाद के ही हैं, वो वकील हैं, उनके कई मुस्लिम वकील मित्र हैं, उनसे वार्ता हो रही थी और इसी इस्लाम के संदर्भ में चर्चा छेड़ दिया, तो मैंने वहाँ भी सवाल उठाया, तो उन्होंने, उन मुस्लिम वकीलों ने इसी इलियास शरफुद्दीन को भी ऑनलाइन में लिया। तो इससे मैंने पूछा कि जब कुरान में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں، کہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ میں ہر ایک قوم کی زبان میں رسول بھیجا ہے، تو میں نے کہا کہ ہر ایک قوم کی زبان میں اللہ نے اگر رسول بھیجے ہیں تو سنسکرت زبان میں کون سے رسول آئے، سنسکرت کو چھوڑو ہندی زبان میں ہی بتا دو، ہندی زبان میں کون سے رسول آئے، جبکہ رسول اسلام میں 4 ہیں جو کہ موسیٰ، داؤد، عیسیٰ اور محمد، ان 4 کو رسول مانا ہے، جن لوگوں پر، جن پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی یا وحی اتاری ان کو رسول کہا جاتا ہے، اور جس پہ 4 ہیں
केवल मूसा, दाऊद, ईसा और मोहम्मद, इसके अतिरिक्त कोई रसूल नहीं। तो फिर अल्लाह ने यहाँ हर एक कौम की ज़ुबान में रसूल भेजी, ये कहाँ सत हुआ? उसी का ही जवाब नहीं दे पाए और वो जो जुड़ा हुआ था मोबाइल में वहाँ से वो भाग गया। आज ये क्या कह रहा है इसकी आवाज़ सुनिए और इसका जवाब फिर मैं दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। अब महेंद्र पाल आर्या बोल रहा है, कुरान को अल्लाह का कलाम साबित करो। 15वां सूरा आयत नंबर 16, सूरह हिजर की आयत, अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं। अब सुन लिया, मेरा नाम लेकर के बोला कि महेंद्र पाल आर्य कह रहा है कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करो, तो इसने एक सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 सूरह हिज्र इसका मिसाल दिया, उदाहरण दिया, पेश किया। इसने बोला नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह हिज्र आयत नंबर 9 में कि इस कुरान का नाजिल करने वाला मैं हूँ और इसका हिफाजत करने वाला मैं हूँ। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये कुरान में अल्लाह ने कहा है कि इसका नाजिल करने वाला मैं हूँ और इसकी हिफाजत भी मैं करूँगा। मैं इलियास शरफुद्दीन से लेकर के अल्लाह तक को पूछना चाहता हूँ, अगर संभव हो तो इलियास शरफुद्दीन जाकिर नाइक को अपना अब्बा मानता है और जो उसका अब्बा भारत छोड़ा है और जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज चैनल में लगा हुआ है। इस इलिया शरफुद्दीन को और इनके तमाम ख़ानदानों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ने यह बताया है कुरान में कि इस आयत का नाजिल करने वाला मैं हूँ और इसका हिफाजत करने वाला भी मैं हूँ, तो इस कुरान से पहले भी तो 3 किताब अल्लाह की ही नाजिल की हुई थी, जिसको तौरात कहा गया, ज़बूर कहा गया और इंजील कहा गया। तो उन किताबों की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी किन की थी? महेंद्र पाल आर्य की। अल्लाह से हिफाजत हो पाया क्या? तो जब अल्लाह अपनी कई हुई बातों को खुद हिफाजत नहीं कर पाए, जबकि किताब अल्लाह की है और उन किताब पर मुसलमानों को ईमान लाने की भी अल्लाह ने हुक्म दिया है, उन्ज़िला इलैका वा मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, कुरान कह रहा है कि नाजिल की गई ये और नाजिल की गई इससे पहले, यानी इससे पहले वाली किताब को भी मानना पड़ेगा, उस पर भी ईमान लाना पड़ेगा। तो उस किताब की हिफाजत की ज़िम्मेदारी किस पर थी? उन किताबों की हिफाजत अल्लाह क्यों नहीं कर पाए और कुरान की हिफाजत अल्लाह कर लेंगे? चलो देखते हैं आगे और क्या बोल रहा है। 1440 साल से ज़्यादा हो गए कुरान को अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी पर नाजिल किया, पूरी दुनिया में एक ही कुरान है, मक्का में, मदीना में, इंडिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, कहीं से भी उठा के देख लो, वर्ड टू वर्ड एक ही कुरान। लाखों लाखों कुरान के हाफिज मिल जाएंगे एक ही कुरान रमजान में, बगैर देखे 30 पारे, 114 सूरते, 6600 से ज्यादा आयतें अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए ये कहां अज्ञानता की बात कर रहा है। देखिए ये कुरान एक है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई अल्लाह ने। पहले उस नाजिल को ही देख लेते हैं, उस नाजिल में अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया सूरह अलक के 5 आयत को लेकर के, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, इक़्रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम व अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये सूरह अलक जिसमें अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि हमने अपने परवरदिगार के नाम से लेकर के जिनके पढ़ने की बात की गई है,
जिब्राइल ने कहा हज़रत मामा साहब से, क्या अल्लाह या परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने हर चीज़ को पैदा किया, जिसने हर चीज़ को पैदा किया उस परवरदिगार के नाम से पढ़ो। ये किसने बोला? जिब्राइल ने। तो कलामुल्लाह हुआ या जिब्रीलुल्लाह हुआ? कलाम जिब्रील का है या अल्लाह का है कलाम? ये कितने मूर्ख लोग हैं, देखिए ज़रा किस तरीके से ये मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। अता पता कुछ है नहीं। अभी देखिए आगे क्या बोला, खलकल इंसान, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। अल्लाह को जमा हुआ खून कहाँ मिला? जो अल्लाह ने जमे हुए खून से पैदा किया। और पांच छह प्रकार की बातें अल्लाह ने कुरान में कही है। कहीं तो खनखनाते हुए मिट्टी से इंसान को पैदा किया, कहीं गारे से इंसान को पैदा किया, और कहीं स्त्री और पुरुष से पैदा किया, कहीं नुतफे से पैदा किया, और कहीं यह तक बोला अल्लाह कि वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वबनाहा आयतन लिलआलमीन। सूरह अंबिया आयत नंबर 91 में। इलियास सरफुद्दीन, खोल करके देख लो कुरान, जिस कुरान की बात तुम कर रहे हो उस कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि अल्लाह ने मरियम के फुरुजहा, फुरुजहा गुप्त इंद्रिय को कहा जाता है, फूंक मार करके संतान बना दिया। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के ज़रिए से तालीम दी, कलम के ज़रिए से तालीम दी, जब ये बताया जा रहा है। और यहाँ जिब्रील कलम लाया कहाँ? जिब्रील तो बोल करके सुना रहे हैं मोहम्मद को, जिस मोहम्मद के बारे में तुम बता रहे हो, जो मोहम्मद को अल्लाह ने कुरान दी, तो मोहम्मद को कलम से कहाँ दिया? और अल्लाह ने जिब्रील को अगर कलम से दिया तो अल्लाह को कलम मिला कहाँ? कलम बनाने की परिपाटी क्या है? रॉ मटेरियल क्या है? किन चीज़ से कलम बनाई गई? कौन कौन सा उपकरण लगता है कलम बनाने में? वो अल्लाह को नहीं मालूम। अल्लम अल इंसान अम यालम, उसी ने इंसान को ये बातें बताई जिसको वो कुछ नहीं जानता था। इंसान को उन बातों को बताया अल्लाह ने जिसे वो कुछ नहीं जानता था। तो ये पांच आयत जो है शुरुआत की है, यही पांच आयत लेकर के जिब्रील आए किनके पास? मोहम्मद साहब के पास। कहाँ? ग़ार हिरा में। और आ करके बोला उनको पढ़ो। लेकिन वहाँ तो और कई घटनाएं हैं, वो घटना तो तुम बोल नहीं रहे हो। पहले तो जिब्रील आ करके मोहम्मद साहब के सीना को चाक किया, दिल को निकाला, आबे जमजम से धोया, फिर उसके बाद सिलाई किया, बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना औजार के, बिना नर्सिंग होम और बिना हॉस्पिटल के ये ऑपरेशन करना संभव होगा? और कोई मरहम पट्टी नहीं, कोई दवा दारू नहीं, कुछ नहीं, ऑपरेशन हो गया और दिल को धोना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद का दिल काला था, तभी गंदा था, अपवित्र था, नापाक था, तभी तो धो करके पाक किया जा रहा है। और फिर बताया जाता है कि जिब्राइल आकर के मोहम्मद को धर दबोचा, और हाथ से दबोच करके, वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसे दबोच करके उसको सिखा दिया सबको। दबोचने से कोई लिखना पढ़ना सीखता है? और लिखा पढ़ा तुम भी तो नहीं जानते हो, तुम भी तो लिखे पढ़े नहीं हो, तुम क्या जानोगे? फिर ये कह रहा है दुनिया में कुरान एक है। कोई बात नहीं, दुनिया में कुरान एक है। जिस कुरान की बात तुम कर रहे हो, दुनिया में कुरान एक है, इस मुल्क में है, उस मुल्क में है, इस देश में, उस देश में, सब देश में कुरान एक है। और कुरान को हिफ्ज कर रखा है, बिल्कुल हिफ्ज तो मैं भी किया हूँ, यद्यपि मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मैं तो 11 वर्ष की आयु में मैंने हिफ्ज की थी, हिफ्ज पूरा हो गया था। और फिर माने मजदर समझने के लिए मैंने मौलवियत की कोर्स भी की। अब नमाज में कुरान बिना देखे पढ़ता है, तो बिना देखे देख करके पढ़ने की कौन सी बात आ जाएगी? अच्छा, फिर ये बोला कि 114 सूरतें हैं, 30 सिपारा हैं, और आयतें कितनी हैं नहीं बता पाया।
क्यों न बताने का कारण यह है कि कुरान में आयात 6666 हैं और कुछ आलिमों ने माना है 6632 है। अब इसमें ही इख्तलाफ है, लेकिन हम लोगों ने जो हिफ्ज किया है वो 6666 आयत ही कंटेस्ट किया हुआ है। जो 6666 ही आयते हैं जिसको हिफ्ज किया गया है, लेकिन कुछ आलिमों ने माना है 6632, तो ये अपने आप में कंफर्म नहीं है। देखिए इस ये है कुरान, और इस कुरान में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसमें 6666 आयतें हैं। ये मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, यहाँ आकर के ये ख़त्म हुआ सूरा नास। सूरा नास में ये देखिए 6666 है, ये आयतें 6666 ही हैं सूरा नास तक। तो कुछ आलिमों ने माना है 6632, तो जब 6632 बताया जा रहा है, 6666 माना जा रहा है, ये कंफर्म ना होने के कारण, क्योंकि ये आलिम नहीं है, ये अपड़ आदमी है, तो इसकी गलती नहीं है। अपड़ तो इनके अधिनायक भी थे, उनको भी पढ़ने लिखने से कोई सरोकार नहीं था। वो कौल अल उम्मीयून ला यअलमून अल किताब, कुरान कह रहा है, लिखने पढ़ने से जिनका कोई सरोकार नहीं रहा, इसलिए ये कन्फर्म नहीं है। तो कन्फर्म नहीं बता पाया कि कितनी आयतें हैं कुरान में। आगे सुनिए क्या बोल रहा है, पढ़ के सुनाते ये बात, एक कुरान अल्लाह की तरफ से परफेक्ट बदली नहीं गई, कोई वेदा कोई उपनिषद कोई गीता कोई ऐसी किताब आप नहीं पेश कर सकते, कोई बाइबल नहीं पेश कर सकते। तुझे इल्म नहीं है इसलिए तू कह रहा है कोई ऐसा किताब पेश नहीं कर सकते। और यही कुरान में गड़बड़ झाला होने के कारण ही तो चीन में देख, चीन में देख, चीन में ये कुरान कहाँ गटर में पड़ा है, चीन के चीन में देख और मुल्क में देख, इसको फाड़ फाड़ करके लोग कहीं जला रहे हैं, एक तो चिबा के खा रहा है, ये क्या हो रहा है? और तुझे ये मालूम नहीं कि जैसा मैंने बोला ना कि मैं 11 साल का था उस समय मैं हिफ्ज कर चुका था, तो मैं इसके प्राश्चित के लिए अपने बच्चों को भी वेद कंठस्थ करा रखा हूँ। मेरी एक बेटी जिसको 2 वेद कंठस्थ है, तुझे पता नहीं है, तुझे कुछ जानकारी नहीं है, तू क्या जानेगा दुनियादारी? दुनियादारी तो इस्लाम में है नहीं, और तू तो जानता भी नहीं है, तू के जाहिल ठहरा। इसलिए वेद एक ही है, वेद अनेक नहीं है, गीता भी एक है अनेक नहीं है, और वेद के साथ तुम कुरान का क्या मुकाबला कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ पर तो केवल 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं, और वेद में 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं। समझ रहा है जाहिल अपढ़? 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं, और साउथ में मैसूर आदि प्रांतों में उधर बेंगलोर साइड में बहुत सारे पंडित हैं जिनको चारों वेद कंठस्थ है। हमारे तरफ भी हैं, गुरुकुल गौतम नगर में कई बच्चे हैं जिनको भी एक वेद कंठस्थ है, किनको 2 है, किनको 3 है, किनको 4 है। तुझे जानकारी नहीं है क्योंकि तू कुआं का मेढक है, तो समुंदर का आवाज तुझे कहाँ से होता भला? कुआं के अंदर में ही चक्कर लगा रहा है तू, इस्लाम से बाहर गया नहीं। लेकिन जिस कुरान की चर्चा तू कर रहा है, जिस कुरान का तारीफ तू कर रहा है, इस कुरान को देख, इसकी क्या छीछा लेदर दुनिया में हो रही है आज। चीन के तरफ देख, चीन ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए मैं चीन को ही बोल रहा हूँ, बाकी और देशों में भी हो रहा है। फाड़ फाड़ करके लोग आग में डाल रहे हैं, कहीं चिबा चिबा करके खा रहे हैं। चीन में देख, मैं इसमें दिखा भी दूंगा अभी।
चीन में क्या हुआ है तेरा कुरान का, गटर में डाल दिया है, गटर 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 जानता है हैदराबादी, गटर जानता है गंदी नाला, उसमें कुरान डाल दिया है, जिस कुरान की बात तू कर रहा है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कुरान की टक्कर पर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान परफेक्ट। दूसरा, कुरान में 1000 से ज्यादा साइंटिफिक आयतें हैं, उसमें से 200 आयतों के करीब मॉडर्न साइंस ने मान लिया। जमीन गोल है, जियोस्फेरिकल, सूर्य नाजियात वनसीबा सूरत। अच्छा, ये बोल रहा है कि जमीन गोल है, मॉडर्न साइंस ने मान लिया। तो कुरान से पहले लोग नहीं जानते थे ज़मीन गोल है, भूगोल तो कहा गया है, भू के माने ज़मीन और गोल के माने गोलाकार। तुझे क्या इल्म है, तू क्या जानेगा मॉडर्न साइंस को, तू साइंस की बात कर रहा है, क्या यही साइंस है कुरान में अल्लाह का, जहां अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, औकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिया ख़ाविअतुन अला उरुशिहा قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فامته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما او بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر الى حمارك ولنجعلك ايات للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لما سوره بقره ايات نمبر 259 کو کھول کر کے دیکھ। वहाँ पर इब्राहिम किसी गांव से निकल करके जा रहे थे, गांव के लोग औंधे पड़े थे, मरे पड़े थे। इब्राहिम ने कहा, अल्लाह इन मरे को ज़िंदा कैसे करेंगे, तो अल्लाह ने कहा यकीन नहीं है, हाँ यकीन तो है पर देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहते हैं कि कैसे ज़िंदा करते हैं। अल्लाह ने कहा तो आगे जाओ, तुम्हारे पास जो सामान है उसको रख देना और जो गधा लिए जा रहे हैं उसको वहीं बांध देना, बैठ जाओ वहीं पर। ऐसा ही किया, ठंडी ठंडी हवा लगी, नींद आ गया उसे, और नींद आने पर अल्लाह ने उसकी रूह निकाल ली। 100 वर्ष के बाद अल्लाह ने इब्राहिम के रूह को डाल दिया। इब्राहिम से पूछा कितने दिन से सो रहे हो, इब्राहिम ने बोला एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, कुछ घंटे ही, क्योंकि जिस समय वो सोने लगा था वो सुबह का समय था। अब जब उसको जगाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, रूह डाली जा रही है, वो शाम का समय था, इसलिए इब्राहिम ने कहा एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, अल्लाह ने कहा अरे 100 साल से सो रहे हो, देखो तुम्हारा गधा की तरफ, गधा का बिल्कुल पिंजर पिंजर दिखाई दे रहा है, हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है, 100 साल से तुम सोए हो, 100 साल में गधा की ये दशा हो गई, और देखो इसके ऊपर मैं गोश्त और खाल चढ़ा देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। सवाल यहाँ है, ये साइंस बोल रहा है, क्या ये साइंस है कि 100 साल में गधे का तो कंकाल बन गया, पिंजर पिंजर दिखाई देने लगा, और इब्राहिम जू का तू क्यों रहा, इब्राहिम का पिंजर क्यों नहीं बना। और कमाल की बात यह है कि कुरान का गप इस तरीके से है कि वो खाने पीने का जो सामान था वो बिल्कुल तरोताज़ा रहा, खाने पीने का सामान बिल्कुल तरोताज़ा रहा, सड़ा गला नहीं। ये है कुरान का साइंस, एक दो नहीं ऐसे अनेक हज़ारों, 6666 आयतों में से हज़ारों आयत ऐसा ही ढूंढ करके मैं दे दूँगा। केवल इतना ही नहीं, अल्लाह ने इब्राहिम की रूह निकाली, जबकि यहाँ पर नहीं बताया गया, सूरा बकर आयत नंबर 259 में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि रूह किसने निकाली, इब्राहिम की रूह किसने निकाली, जबकि रूह निकालने के लिए अल्लाह ने एक फरिश्ता नियुक्त किया है जिसको मलिकुल मौत कहते हैं, उसका सहयोग नहीं लिया गया, तो रूह निकाला कौन था। इस तरीके से गप कुरान भरा पड़ा है। और फिर सूरा बकर आयत नंबर 260 में बताया कैसे ज़िंदा करते हैं, हम देख तू चार परिंदा ले, एक मोर, एक कौवा, एक कबूतर, एक मुर्गा, चारों को ले, चारों को काट, और सबका मुंडी एक जगह कर दे, सबका धड़ एक जगह कर दे, सबका पर मिला करके एक जगह कर दे, पहाड़ के ऊपर रख और मेरे नाम से पुकार, सब आ जाएंगे। ये है इनका साइंस, ये जिस साइंस की बात कर रहे हैं, जो धरती गोल है वो कब से है,
कुरान के बाद से है, कुरान के बाद नहीं जानता था क्या? यानी कुरान से पहले लोग नहीं जानते थे। यहाँ क्या बोला, वैद काल इब्राहिम रब यारने कई फतो मौत कौला वालम तुमिन कौला बल वलियत मिन नकल भी कौला फ़खुदार बात मैन तैर फसर हन इलई का सुम जल अलाकुल्ल जबल मिन हन जुजन सुम दुन यात नकीम। उन परिंदों को अल्लाह बोला हमारे नाम से बुलाओ, वो सब अपने आप आ जाएंगे। इसमें कौन सी साइंस की बात है भाई, क्या साइंस है इसमें तुम्हारा? मैं पूछना चाहता हूँ, जिस साइंस की बात तुम कर रहे हो, कुरान तर्क के कसौटी पर खरा उतर सकते हैं क्या? इसीलिए तो मैं बुला रहा हूँ, सामने आओ फिर पता लगेगा कुरान कलामुल्लाह है या नहीं। आगे सुनिए क्या बोल रहा है। सूरज की रोशनी खुद की रोशनी है, चांद की रोशनी वो लेकर फेंकता है, रिफ्लेक्ट करता है। कुरान 1400 साल, कुरान 1400 साल से है, तो इसका पहले दुनिया नहीं थी, पहले दुनिया नहीं थी, दुनिया के लोग नहीं जानते थे कि सूरज की रोशनी कहाँ से, सूरज की रोशनी चांद से आती है, चांद को मिलता है, चांद सूरज की रोशनी से, सूरज के प्रकाश से प्रकाशित है, ये दुनिया नहीं जानते थे। 1400 पहले से ही जाना है। दुनिया की आयु जानता है तू? 2 अरब वर्ष नियर अबाउट, 1,96,87,00,000 इस तरीके से कुछ वर्ष हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ के देख, ऋषि दयानंद ने लिखा है। तू अकल के दुश्मन है, तुझे क्या मालूम, तुझे तो दुनिया का पता नहीं है, क्योंकि तू कुआं का मेढक है, कुआं के मेढक है तू क्या जाते, तू मेडिकल साइंस को। सूरह कहफ आयत नंबर 86 देखिए, सूरह कहफ आयत नंबर 86 क्या बताया है। सूरह कहफ आयत नंबर 86 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, देखिए, हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्स वजहदा तगरुबु फी आइनिन हामियतिन वमजदा इंदहा कौमा कुलना यजक या जुलकर नहीं ने इम्मा अम तो अज़िबु व इम्मा अन तत्तखज़ु फीहि हुस्ना। सुन लिया, अरे जाहिल सुन क्या बोला है। ज़ुल्करनैन ने देखा, क्या देखा, आफ्ताब के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो आफ्ताब को उसने क्या दिखाई दिया कि वो काली कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है। अरे वो जाहिल किस साइंस की बात कर रहा है। यहाँ तो अल्लाह ने सूरह कहफ के आयत नंबर 86 में सूरज को कीचड़ वाला तालाब में डूबता हुआ बताया। सूरज डूबता है जाहिल, भारत में जिस समय हम डूबता हुआ देखते हैं, अमेरिका वाला उस समय उगता हुआ देखता है। सूरज डूबा या उगा, सूरज निकला या डूबा, तुम जाहिलों को कुछ भी अता पता नहीं है। अब सूरज को कीचड़ वाला तालाब में जिस कुरान में डूबता हुआ अल्लाह दिखा दे, ऐसे दिमाग रखने वाले को साइंस का क्या आता पता होगा, वो क्या जानेंगे साइंस क्या होता है। अभी देखिए आगे और क्या बोल रहा है। पहले बोला साइंस ने मान लिया, कुरान अल्लाह की तरफ से परफेक्ट कलाम है, एक भी साइंटिफिक एरर नहीं है कुरान में। तसल्ली के लिए विलियम कैंपबेल जाकिर नाइक का डिबेट कुरान एंड मॉडर्न साइंस देख लो। जाकिर नाइक को बोलती बंद करा रखा हूँ, जाकिर नाइक का पर्दाफाश देख ले वहाँ सुदर्शन न्यूज चैनल में। जाकिर नाइक क्या जानता है, जाकिर नाइक यही जानता है ना, ये मॉडर्न साइंस बता रहा है, तू कुरान से साइंस दिखा रहा है, मॉडर्न साइंस यही साइंस है जो जाकिर नाइक मेडिकल साइंस का जानने वाला बताता है। और ईसा कैसे जन्म लिया, ईसा कैसे पैदा हो गए, सूरह मायदा आयत नंबर 110 खोल करके देख। क्या कहा अल्लाह ने सूरह मायदा आयत नंबर 110 में जा करके देख कि जिस मरियम के बारे में अल्लाह ने ये बताया है, इज़ क़ाल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम अज़का निअमति अन अलैका व अला
वाला वलिदतिका इज आतई तुका बिरूहिल कुदूस तुकल्लिमुन्नास फिल महद व कहलाऊ इज अल्लमतल किताब वल हिकमत व तौरात वल इंजील वइन तखलुकु मिनत तीने कहैती तौरात तैरे बेइज़नी फता फतन्फुकु फीहा फताकूना तैरम बेइज़नी। यहाँ अल्लाह ने क्या बोला है? सुन ध्यान से। जब खुदा फरमाएगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, हमने तो तुम पर और तुम्हारे माँ पर एहसान किया। अरे जाहिल, मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह का क्या एहसान था जो ईसा का बाप का नाम नहीं, ईसा का बाप का नाम अल्लाह नहीं बता पाए? और अल्लाह का यही एहसान था मरियम पर कि ईसा को पैदा कर दे। और फिर इस आयत में यह बोला कि उसकी माँ सती है, इसका मोहर लगाएगा पालना में। ईसा पालना में झूला झूले और मेरी माँ सती है, इसका चरित्र पत्र प्रमाण पत्र दे रहा है। बिना स्त्री और पुरुष के, रज और वीर्य के संमिश्रण के बगैर संतान का उत्पन्न होना, ये जाकी नायक मुन्ना भाई तेरा बाप, तेरा अब्बा मेडिकल साइंस का जानने वाला बता रहा है कि वो कैसा मान रहा है इसको, सच? ये सच है? तू मेडिकल साइंस जान रहा है, मेडिकल साइंस पढ़ा, तू मॉडर्न साइंस बता रहा है? मॉडर्न साइंस में कौन सा ऐसा साइंसदान है जो इस बात को सच मान लेगा कि एक कुमारी जिसकी शादी हुई नहीं है और वो संतान जन्म दे? और वो इज़ क़ालत अल-मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकि बिकलिमतिन मिन्हु उस्मुहुल मसीह ईसा इब्नु मरियम वजीहुन फिद दुनिया वल आखिरति मिनल मुकर्रबीन व युकल्लिमुन नास फिल महदि व कहलन व मिनस सालिहीन क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदुन व लम यमससनी बशर قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون। ये है तेरा साइंस। क्या बोला? याद है सूरह आल इमरान में जा करके देख क्या क्या कहा है। मरियम कुआं में पानी भरने के लिए गई, एक परछाई को देखी, डर करके घबरा करके पीछे की तरफ हटने लगी, तो अल्लाह का फरिश्ता जबराइल ने कहा, ए मरियम घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तेरे पास एक संदेशा देने के लिए आऊँ। क्या है? कि तेरा पेट में एक बच्चा होने वाला है। मरियम कहने लगी, कौलत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर, कि कोई पुरुष मेरे शरीर में हाथ तक नहीं लगाया, मैं कुमारी हूँ, मेरे पेट में संतान, ये तो नामुमकिन बात है। अल्लाह ने, जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के पास नामुमकिन नाम का कोई शब्द नहीं है। अल्लाह एक बार कह देते कुन, हो जा, फयकुन, बस हो जाता है। अरे वो जाहिल, होने के लिए भी तीन कारण होना चाहिए, तीन कारण के बगैर क्रिया समाप्त है। एक साधारण कारण, दूसरा निमित्त कारण और तीसरा उपादान कारण। जैसा मिट्टी से घड़ा बनना, चाक के द्वारा बनना और कुम्हार से बनना। तू नमाज पढ़ता है, वहाँ भी तीन कारण है, नमाजी, नमाज पढ़ने वाला, नमाज और जिसके लिए नमाज पढ़ी जावे, वहाँ भी तीन कारण है। यहाँ अल्लाह एक बार कह दिया कुन, हो जा, फया कुन, पास हो जाएगा। होने के लिए कोई कारण नहीं है अल्लाह के पास, इसको साइंस बता रहा तू। एक कुंवारी लड़की के पेट से संतान जन्म देना, यह अल्लाह का कुरान का प्रमाण है, अल्लाह बनने का, अल्लाह होने का। और मरियम पर अल्लाह ने उपकार किया, एहसान किया, बताया है तुम्हारी माँ पर एहसान किए। तुम्हें याद करो, जब तुमने रूहुल कुदूस जिब्राइल से तुम्हारी ताईद की गई तो तुम झूले में पड़े थे। देख, अरे वो जाहिल, झूले में पड़े पड़े, झूले में झूलता हुआ, झूले में जो बच्चा नवजात शिशु है वो बोल सकता है, कैसा गधा आदमी है यार, किस कुरान की बात कर रहा है तू? झूला में झूलता हुआ बच्चा बोल सकता है, ये सृष्टि नियम के विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध है, और कुरान इस पर मोहर लगा रहा है, जिस कुरान की बात तू कर रहा है आना, इसीलिए तो मैं सामने बुला रहा हूँ। कितना जानता है, सामने आ करके बोल, तब मैं देखूँगा कि तू जानता क्या है। तो तू उसी दिन ही, मैं बोल दिया था, चैलेंज तो मैंने खुला चैलेंज दे रखा है, सामने आता क्यों नहीं?
मैंने बोला तो एक महेंद्रपाल आर्य को मुसलमान बना लो, हम लाखों की तादाद में आर्य समाजियों को और हिंदुओं को मुसलमान बना दूंगा। आज तक नहीं आ पाया, ये सृष्टि नियम के विरुद्ध है। जो बच्चा झूला झूलता हुआ बच्चा कभी बोले, और फिर अल्लाह ने वो क्या बोला इसको कि चिड़िया की मूरत बना करके उसमें फूंक मार करके उड़ाने की, मिट्टी का चिड़िया बना करके उसमें फूंक मार करके उड़ाना, यह कुरान का साइंस है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर जाहिल कहीं का, कौन सा साइंस की बात कर रहा है तू? ले आना अपना अब्बा को पकड़ करके, भागा तो इसीलिए जाकिर नाई का पर्दा फाश दे के वहां पर सुदर्शन न्यूज चैनल में। और कोड़ियों को ठीक कर देना, मुर्दों को जिंदा कर देना, अंधों को आंख देना, ये सब इसी कुरान का करामात है। इसको तू साइंस बता रहा है। एक आदमी मुर्दों को जिंदा कर सकता है, मुर्दा को जिंदा करना आदमी का काम है। अबे शरीर में आत्मा रहने का नाम जिंदा और आत्मा निकल जाने का नाम मुर्दा। वो आत्मा निकल करके गई कहाँ? और इब्राहिम से भी जो आत्मा रूह अल्लाह ने निकाली, उस रूह को अल्लाह 100 साल तक कहाँ रखे थे? जाहिल इन सब सवालों का जवाब दे। और जिस कुरान की बात तू कर रहा है, कुरान साइंस का सा नहीं जानता, धराशाई हो जाओगे सामने आने पर। इसमें अल्लाह ने क्या कहा कि वो मुर्दा को जिंदा कर देता था, कोड़ियों को ठीक कर देता था, और उसको मुर्दा को कब्र से निकाल खड़ा करता था, मुर्दों को कब्र से निकाल खड़ा करता था। ये ईसा में ये खूबी थी। जाहिल जिसका बाप का ही नाम का पता नहीं और जिसको तुम पैगंबर मान रहे हो उसका बाप का ही पता नहीं, और बिना बाप वाला आदमी कब्र से मुर्दा को जिंदा खड़ा करे, मैं नहीं कह रहा हूँ, तेरा कुरान कह रहा है, ये देख, मैं दिखा दूंगा, वो कुरान से भी उठा के दे दूंगा, निकाल कर खड़ा कर ले। और जिस वक्त तुम बनी इसराइल के पास मौजजा लेकर के गए, इसको मौजजा बताया गया, चमत्कार बताया गया है। तो इसलिए हजरत मोहम्मद साहब से किसी ने पूछा कि बिना बाप का अल्लाह ने हजरत ईसा को कैसा बना दिया, तो अल्लाह ने फौरन इसका जवाब क्या दिया, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहु कुन फयकुन। अरे ईसा को छोड़ो, आदम को देखो, आदम को तो मैं बिना माँ और बिना बाप का पैदा किया हूँ। ये है तेरा साइंस, बिना माँ और बिना बाप का पैदा करने वाला, ये है साइंस 45, ये है साइंस। अब इसी सूरह मादा में आयत नंबर 45 में अल्लाह ने क्या बोला देखा, अल्लाह ने इंसान के अंदर में किस तरीके से ईर्षा द्वेष का भावना भरा है। वह कतमन अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन नफ्स वल अईन बिल अईन वल अनफ बिल अनफ वल उज़्न बिल उज़्न वल सिन्न बिल सिन्न बिल सिन्न वल जुरूह क़िसास फमन तसद्दक बिही फहुवा कफ्फारतु लहू वमन लम यहकुम बिअन्ज़रल्लाहु फ़ौलाइक हुमुल ज़ालिमून। क्या बोला अल्लाह ने देख, सूरह मायदा आयत नंबर 45 में, और हमने तौरात में यहूदियों पर ये हुक्म फ़र्ज कर दिया था कि जान के बदले में जान। अब वो तौरात कहाँ है तेरा? तू जिस कुरान की बात कर रहा है, अल्लाह ने त्या उस तौरात की बात करी है, उस तौरात की बात कर, उस तौरात को तू मानता है? वो तौरात आया का, वो तौरात तो आसमान से लिख करके आया बताया जाता है, आसमान से अल्लाह बैठे बैठे लिखे थे। कौन लिखा था? लिखने के लिए अल्लाह को कागज़ कहाँ मिला था? धराशाई हो जाओगे इलिया सरफुद्दीन, औकात में रहो। इसलिए तो मैं सामने बुला रहा हूँ, सामने आओ सही अर्थों में। बाप तो तुम्हारा है नहीं, अगर तुम्हारा बाप होता तुम फिर जाकिर नाइक को अपना बाप थोड़े ही मानते, थोड़े ही बनाते। तुम्हारा बाप है नहीं, तुम बिन बाप के औलाद हो, और ईसा भी बिन बाप का औलाद था। अब अल्लाह ने किस तरीके से यहाँ पर बदले का भावना भरा है, देखिए, जान के बदले में जान, आँख के बदले में आँख, नाक के बदले में नाक,
कान के बदले में कान, दांत के बदले में दांत, और जख्म के बदले में जख्म, बराबर का बदला है। फिर जो जुल्म ये जालिम किया है कि माफ़ करना चाहे उनके गुनाहों का, तो अल्लाह फ़क्त माफ़ करने वाला है कि खुदा की नाजिल की हुई किताब के मुताबिक हुक्म देते तो ऐसा ही लोग जालिम है। तो उन लोगों को जालिम कहा है, और तू यहाँ डिंग हाँक रहा है जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है, उसके दांत तोड़वाने से अल्लाह बचा पाए क्या? दांत कैसे टूटे थे भाई? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार दांत टूटे थे। किस लिए? दूध पीते बच्चे थे जो दूध वाला दांत टूटा उनका, दुश्मनों ने मार करके तोड़ा है। सुन इलिया सरफुद्दीन, इसलिए मेरी खुली चुनौती है, आओ, खुला दरबार है, आओ डिबेट के लिए सामने आओ। वीडियो लंबा हो जाएगा, उसका भी वीडियो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं उसको पूरा नहीं सुना पा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पर ही मैं इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए इसके एक एक शब्द को उठाकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। और इसको मैं पहले बोला था, ये प्रधानमंत्री जी के लिए, अमित शाह के लिए, बीजेपी वालों के लिए, आरएसएस वालों के लिए, विश्व हिंदू परिषद वालों के लिए, सब के लिए कहा कि सब इस्लाम स्वीकार करो। अरे इस्लाम कोई और स्वीकार करे या ना करे, एक महेंद्रपाल आर्य को इस्लाम स्वीकार करवा के दिखा। तेरा अब्बा तो भाग गया है पर्दाफाश सुनते ही। अगर तेरे में हिम्मत है तो आ जा, महेंद्रपाल आर्य को एक को मुसलमान बना करके दिखा, पूरी दुनिया के हिंदुओं को हम मुसलमान बना देंगे। पूरी दुनिया ना हो लेकिन भारत के जितने लोग मेरे टच में हैं उन सबको मैं बना दूंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, और दुनिया वालों के सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ, दुनिया वालों को अपनी बात पहुँचा रहा हूँ। इसलिए भाइयों, आप लोगों से भी निवेदन है कि इलिया शरफुद्दीन जैसे झूठे और मक्कार को सामने बुला करके लाइए, डिबेट के लिए सामने बैठे। मैं बोला हैदराबाद में जब बात हो रही थी ना, फ़ोन चैटिंग में था, ये भाग गया छोड़ करके। अगर ये अपना बाप से है तो मैं इनको खुली चुनौती दिया हूँ कि आए सामने, सामने बैठ करके डिबेट करे, इसी कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके वो दिखाए। ये दो टुक में मैं बताया, उसमें मैं बहुत सारा हवाला दिया हूँ, कुरान से ही हवाला दिया हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश यही करूँगा, ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारा ये रابطہ कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय। पंखा चला।